व बरकातहू एंड वुले हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आज, आज आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ डियर फ्रेंड्स आज हम बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो मतलब कुछ लेक्चर्स थे इससे पहले मैंने आपको पेश किए थे आ, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे इससे पहले वाले पार्ट फस्ट जो वीडियो था बीएड का स्कूल मैनेजमेंट सीरीज़ का जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे इन द शेप ऑफ डिफिनीशन अबाउट स्कूल मैनेजमेंट आज मैं आपको दो तीन चार कन्सेपचुअल क्लैरिटी करूँगा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊँगा स्कूल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लॉन्ग आंसर्स को हम आज डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको जानकर आपके लिए एग्ज़ाम के बारे में मीन्स uh, आपको काफ़ी यूजफुल होगा देयर इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म स्कूल मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट क्या है ये हमने डिफाइन किया है अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है स्कूल मैनेजमेंट क्या है इसको हमें एक्सप्लेन करना है तो मैनेजमेंट सिंपली मीन्स द प्रैक्टिकल मेजर्स विच वी टेक टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ वर्क विच वी यूज विल बी ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस इन कैरिंग आउट आवर एम्स ऑफ द ग्रेटस्ट पॉसिबिलिटीज़ बेनिफिट टू आवर चिल्ड्रन अगर हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सिंपली मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिकली जो आप एक्शन लेते हैं आप प्रैक्टिकली जो एक्शन लेते हैं और आप जो पॉसिबलिटीज़ हैं उनको आप फाइंड आउट करते हैं पॉसिबिलिटीज को आप जब देखने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के पॉसिबिलिटीज हैं स्कूल में मुझे क्या करना है किस तरीके से मुझे क्या मैनेज करना है तो आप चीज़ों को जब मैनेज करते हो चीज़ों के साथ जब आप एडजस्ट हो जाते हैं और एज ए हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट एज ए टीचर एज ए प्रिंसिपल एज एड मास्टर आप जब चीज़ों को समझते हो चीज़ों की नज़ाकत को समझते हो चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझते हो उन और स्कूल की एम्स को भी मद्द नज़र रखते हो और बच्चों को आप बेनिफिट देने की कोशिश करते हो मान लीजिए स्कूल का आपका फंड्स या बजट बहुत ही ज़्यादा कम है लेकिन आपको बच्चों को फिर भी उनको बेस्ट प्रोवाइड करना है सारे फैसिलिटीज़ तो आप किस तरीके से ख़ुद को एडजस्ट कर पाते हैं एक मतलब क्राइसिस वाले माहौल में तो प्रैक्टिकल मेजर्स में आप अपने कामों को किस हद तक अच्छे से कर पाते हैं दैट इज़ मैनेजमेंट एंड स्कूल मैनेजमेंट मीन आप वही मैनेजमेंट या वही आप जो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं वही आप जो मतलब प्रैक्टिकल मेजर्स में स्टेप्स लेते हैं फॉर द बेस्ट ऑफ स्कूल एंड चिल्ड्रन वही हो गया आपका स्कूल मैनेजमेंट मैनेजमेंट में बी कंपोजिट प्राइमरीली ऑफ पर्सन ऑफ मटेरियल ऑफ आइडियाज ऑफ कंसेप्ट सैम्पल्स फॉर्म्स रूल्स प्रिंसिपल्स आर मोर ऑफन आर ए कम्बिनेशन ऑफ दिस इन शॉर्ट स्कूल मैनेजमेंट इम्प्लाइज मैनेजमेंट आमतौर पर प्राइमरीली बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट पर्सन का मैनेजमेंट हो सकता है मींस आपके स्कूल में आप हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है आप हेड ऑफ़ द स्कूल है आप प्रिंसिपल हैं तो आपके स्कूल में पंद्रह टीचर हैं लेकिन बच्चे कम से कम चार सौ पाँच सौ बच्चे हैं तो आपको उन पंद्रह टीचर्स को किस तरीके से आप उन पंद्रह टीचर्स को डिप्लॉय करोगे किस तरीके से पंद्रह टीचर्स को क्लासरूम में या मतलब पंद्रह पाँच सौ बच्चे को कैसे कवर करना है कैसे हैंडल करना है वो आपको एज ए हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट आना चाहिए क्योंकि एज ए टीचर एज ए प्रिंसिपल आपको चाहे आप पाँच टीचर हो दस टीचर हो पंद्रह टीचर हो आपको पाँच सौ तो बच्चे को हैंडल करना है दिस इज़ मैनेजमेंट ऑफ पर्सन मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स आपके स्कूल में कितने मटेरियल हैं आप उससे मतलब कम मटेरियल से बच्चों को कैसे मतलब उनको कैसे आप कवर अप करते हो कम सपोर्ट मटेरियल है कम लेबॉर्ट्री मटेरियल है कम लाइब्रेरी बुक्स हैं कम स्कूल के मतलब फैसिलिटीज हैं लेकिन कम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है फिर भी आप कैसे मैनेज कर पाते हैं दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज़ कॉन्सेप्ट सैम्पल फॉर्म्स रूल्स प्रिंसिपल्स सारे चीज़ों को आप क्या करते हो माहौल के हिसाब से ख़ुद को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं दैट इज़ आल्सो कम्स अंडर द स्कूल मैनेजमेंट इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट में इंपॉटेंट चार एस्पेक्ट्स आते हैं जिनको हम एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट. इट इन्वाल्वि स्कूल प्लांट दैट इज स्कूल बिल्डिंग फर्नीचर लाइब्रेरीज लेबॉर्ट्रीज वर्कशॉप म्यूजियम्स प्ले ग्राउंड फार्म एंड आइडियो विजुअल इट्स सबसे पहला जो मैनेजमेंट के चार एस्पेक्ट्स हैं इन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट हैं आपके स्कूल में जो मटेरियल हैं जो आपके स्कूल का जो बिल्डिंग हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अब उसको कैसे मेंटेन कर पाते हो अब उस मटेरियल को कैसे मैनेज कर पाते हो अब उन चीज़ों को कैसे एहतियात के साथ मतलब आराम से मेंटेन कर पाते हो जैसे कि स्कूल का आपका प्लान है स्कूल प्लान में क्या आता है स्कूल के आपका बिल्डिंग आता है आपका फर्नीचर जो टेबल कुर्सी है आपका जो बेंच है लाइब्रेरी आपका है लेबॉर्टरी आपका है वर्कशॉप्स जो स्कूल में होता है म्यूजियम्स हैं प्ले ग्राउंड फार्म है आइडियो विजुअल एड्स हैं स्मार्ट क्लासरूम बोर्ड वगैरह है ये सब आपका आता है मटेरियल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट जब आप इन सारे चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं तब आपको हम कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट आप अपने स्कूल के मटेरियल्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन इक्विपमेंट सॉरी दिस इम्प्लाइज मोबलाइजेशन ऑफ आल पीपल ऑफ स्कूल दैट इज पपिल्स एंड देयर पेरेंट्स स्कूल स्टाफ एक्सपर्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इट इज ए आप ह्यूमन इक्विपमेंट्स को कैसे मैनेज कर पाते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सोसाइटी में या आपके एजुकेशनल स्कूल में आपके पपिल्स हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं शागिर्द हैं उनके पेरेंट्स हैं उनके स्कूल के स्टाफ हैं एक्सपर्ट्स हैं आपके मतलब स्कूल के मैनेजिंग बोर्ड हैं जो आपके स्कूल को मैनेज कर पाते हैं इन सारे चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर पाते हो या ये सारे चीज़ें जो है किस में आता है ह्यूमन इक्विपमेंट के मैनेजमेंट में आ जाता है इसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स आप आइडियाज और प्रिंसिपल्स को कैसे मैनेज कर पाते हैं इसके बाद आपका जो चौथा एस्पेक्ट है दिस मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड प्रिंसिपल इनटू स्कूल सिस्टम करिकुलम टाइम शेड्यूल नॉर्म्स ऑफ अचीवमेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज और प्रिंसिपल्स में यह आता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्कूल का टीचर या हेड को क्या करना होता है स्कूल की सिस्टम को मेंटेन करना होता है स्कूल की करिकुलम जिसमें आपका सिलेबस आता है वगैरह आपको टाइम टेबल फ्रेम करना है स्कूल में आपको स्कूल का जो अचीवमेंट्स हैं कामयाबियां हैं उसका एक नॉर्म्स बनाना है उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना है आपको स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलाने हैं ये जो है आपका मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स हैं तो देआर आर फोर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने यहाँ तक अभी तक यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट अब स्कूल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल मैनेजमेंट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ए सेपरेट

तसवुर करते हैं कि मुझे अपने स्कूल को ऐसे ऐसे चलाना है बाद में जो आपके आइडियाज़ थे वो आपको आप उनको क्या करते हो प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश करते हो स्कूल मैनेजमेंट में, में क्या आता है शूड इनेबल, डिफरेंट लिम्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर स्कूल में आप फंक्शंस को हारमोनियसली करने की कोशिश करते हो स्कूल में कॉर्डीशन पैदा करने की कोशिश करते हो जिसकी वजह से सारे आपके स्कूल के फैकल्टीज जॉइनली स्कूल के लिए काम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ स्कूल मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी अब स्कूल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो दो टाइप के हैं एक तो स्टूडेंट की नज़र में स्कूल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको हम व्यू ऑफ द पपल कहते हैं और सोसाइटी की नज़र में स्कूल मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं पहले हम देखेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ सोसाइटी यानी कि सोसाइटी की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ब्रॉडली स्पीकिंग द स्कूल शुड बी मैनेज फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव सोसाइटी की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट में फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है नंबर वन क्या होना चाहिए कंसिलटेशन ऑफ स्परिचुअल स्ट्रेंथन ऑफ सोसाइटी स्कूल मैनेजमेंट में सोसाइटी की स्परिचुअलिटी को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए दैट इज स्कूल मैनेजमेंट मेंटेनिंग द हिस्टोरिक कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी सोसाइटी की हिस्ट्री को कंटिन्यू रखना चाहिए मतलब आपके सोसाइटी का ऐसा वजूद था तो आपको उसको मिटने नहीं देना है तो स्कूल का मतलब सिर्फ़ इतना ऐसा नहीं है कि आप स्कूल को ही देखें स्कूल का मतलब ये भी है कि आप बच्चों की करिकुलम के जरिए प्रैक्टिस के जरिए यहाँ वहाँ के मतलब एक्टिविटीज़ के जरिए हिस्टोरिक कंटिन्यूटी को आप सोसाइटी की कंटिन्यू करें सिक्योरिंग द पास्ट अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी स्कूल मैनेजमेंट में अपने सोसाइटी के जहाँ पर वो स्कूल हैं उस सोसाइटी की पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में आपको रिकॉर्ड रखना है पास्ट जो कामयाबियां थे उनको आपको भूलना या ख़राब नहीं करना है उनको आपको बचा के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए गारंटिंग द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी स्कूल मैनेजमेंट में आपको क्या करेंगे मतलब एज ए स्कूल टीचर एज ए स्कूल प्रिंसिपल आपको सोसाइटी के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है ये सारे चीज़ें जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी था अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ़ स्कूल मैनेजमेंट फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पपिल अब शागिर्द के हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए ए स्कूल शुड बी मैनेजड टू ट्रेन हिज़ फैकल्टीज़ स्कूल में जो उस्ताद हैं फैकल्टीज़ हैं उनको काफ़ी ट्रेनिंग देने चाहिए टाइम टाइम पर टू वाइडन हिज़ आउटलुक एक फैकल्टी की या जो एक उस्ताद की जो है उसकी आउटलुक भी काफ़ी ज़्यादा वाइडन होना चाहिए टू कल्टिवेट हिज़ माइंड टीचर की माइंड को कल्टिवेट करने के लिए बच्चे की मतलब बच्चे की जहनी नशो के लिए टीचर को काफ़ी मेहनत करना है टू फॉर्म एंड स्ट्रेंग्थ एनज करेक्टर टीचर को क्या करना है बच्चे की कैरेक्टर को बनाना है और उसको मजबूत बनाना है टू डेवलप एंड कल्टिवेट हिज एस्थेटिक फैकल्टी बच्चे की मतलब पढ़ाई के साथ साथ उसको एस्थेटिकली उसको स्ट्रोंग करना है टू बिल्ड अप हिज बॉडी एंड गिव हिम हेल्थ एंड स्ट्रेंथ बच्चे की बॉडी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए ताकि वो सेहत और तंदुरुस्त रहें स्कूल मैनेजमेंट में नंबर सेवन पे क्या आता है बच्चे की नज़र में ऑब्जेक्टिव टू टीच हिस ड्यूटी टू हिम सेल्फ कम्युनिटी एंड द स्टेट मतलब टीचर को क्या करना है अपने स्टेट को और कम्युनिटी को सही से पढ़ाना है एक्सप्लेन द वेरियस करेक्टरिस्टिकस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट अब स्कूल मैनेजमेंट की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है खूसियात एजुकेशनल मैनेजमेंट दैन इज़ द एगजीक्यूटिव फंक्शन दट कंसर्न इट्स विद द केयरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ लेड डन बाई द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर फॉलोइंग आर इट इज स्कूल मैनेजमेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट में कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन हैं जिनको मतलब स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बनाना चाहिए जब स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी कंसर्नेट ऑफिसर होते हैं जो एजुकेशन के बारे में पॉलिसीज बनाते हैं उनको फॉलोइंग चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले एजुकेशनल असेसमेंट इट इज़ अ सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कंडीशन बाय इन्फ्रेंस फ्रॉम नून फैक्टर्स टुडे वी शुड कलेक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ द सिस्टम इट इस प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड रिसोर्स एंड ट्राई टू फॉर्म ए पिक्चर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड फिलोसफी इन ए पर्टिकुलर कंट्री सबसे पहले हमें किसी भी सोसाइटी का या किसी भी कंट्री का एजुकेशनल असेसमेंट करना चाहिए अब एजुकेशनल असेसमेंट क्या है ये एक असेसमेंट होता है जहाँ पर फ्यूचर कंडीशंस को देखकर हम क्या करता है फ्यूचर कंडीशंस को देखकर हम जो प्रेजेंट में जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं हमें चाहिए स्कूल मैनेजमेंट में हम वो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें स्कूल मैनेजमेंट में जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी का हमारे स्कूल का प्रेजेंट सिस्टम या सोसाइटी का पता चल जाए इसमें प्रेजेंट क्या है और एक्सपेक्टेड रिसोर्स कितने हैं इसमें और हमें एक पिक्चर ड्रा करने की कोशिश करना चाहिए जिसकी वजह से हमें पता चले कि किस तरीके से हमारे कंट्री में प्रेजेंट क्या है पास्ट क्या था और इन फ्यूचर हम एजुकेशनल फील्ड में क्या कर सकते हैं दिस इज़ एजुकेशनल अससमेंट एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग Number second characteristics is educational decision. After considering various alternatives and weighing the consequence of each course of action, a choice must be made, a course of action must be determined. Decision making is a key factor in educational administration. As here, we have to think of generations which will be affected by the policies decided. Guesswork, arbitrary exercise of authority, ill considered hasty decisions have no place in educational administration. स्कूल मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर रहा है नंबर वन मैंने आपको बताया एजुकेशनल असेसमेंट मींस हमें किसी भी सोसाइटी की बारे में जब हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे तो पहले हमें उसके बारे में असेसमेंट एक करना पड़ेगा एक हमें जांच पड़ताल करना है हमें देखना है कि उस सोसाइटी का जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर पास्ट रिकॉर्ड क्या है प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में हम उसमें क्या कर सकता है इसके बाद अब हमें जब हमने जब असेसमेंट किया तो हमें पता चल जाएगा कि किस में क्या फ़ैसला लेना है तो नंबर सेकंड स्टेप एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग बहुत सारे चीज़ों को हम देखने के बाद उनका वज़न या उनका इलाज निकालने के बाद हमारे पास चॉइस होता है कि हम हमें एक एक्शन लेना ही लेना है डिसीज़न जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक आप डिसीज़न लेके कोई अच्छा काम करने का नहीं सोचेंगे तब तक आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव नहीं करेंगे आपको कुछ ऐसे पॉलिसीज़ के बारे में डिसीजन लेना है सोचना है जो आपके जेनरेशंस को रिवॉल्यूशन करें यानी कि चेंज करें गेस वर्क आर्बिटरी एक्सरसाइज ठीक है मीन्स आपको ये अंदाज़ा ना डालें आप कोई मतलब गलत काम ना करें आप कोई जल्दबाजी का काम ना करें किस टाइम पे एजुकेशनल डिसीजन लेते वक्त जब भी आप किसी सोसाइटी के बारे में फर्स्ट असेसमेंट करोगे असेसमेंट के बाद जब आप डिसीजन लोगे तो आपको तसल्ली के साथ एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग में काम करना है नंबर थर्ड आफ्टर दैट क्या करना है आपको एजुकेशनल प्लानिंग अब पहले मैंने बताया आपने एजुकेशनल असेसमेंट किया पास्ट में क्या था प्रेजेंट में क्या था फ्यूचर में क्या होगा इसके बाद आपने एक डिसीजन लिया अब डिसीजन लेने के बाद आपको एक प्लानिंग करना है द प्लान शुड भी फ्लैक्जिबल देयर शुड भी एनफ स्कोप ऑफ चेंज टू कैटर फ्राम अनफॉर्सिन सिचुएशन देयर आर मेनी वेरेबल्स द प्रयोरिटीज़ मे चेंज ड्यू टू प्रोसीड ऑन लिव ड्यू टू अनफॉर्चीन सरकमस्टेंसेज पर्सनल मे बी पोस्ट आउट और प्रोसीड ऑन लिव ऑल दिस वेरिएबल्स कंट्रीब्यूटिंग टू नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन द वेरी एग्जिटेंस ऑफ वेरिएबल्स एंड अनसर्टेन्टीज़ एंड डिसीजन मेकिंग प्लानिंग इज ए नेसेसिटी एजुकेशनल प्लानिंग आपको एक क्या करना है एजुकेशन का एक प्लान बनाना है ये प्लान जो है फ्लेक्जिबल होना चाहिए यह प्लान जो है आपका जो अनफॉर्सिन सिचुएशन है आप अभी तक आपने जो सिचुएशन नहीं देखा मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी ख़राबी आ सकता है तो आपका जो प्लान है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्लान जो है सिर्फ़ एक ही माहौल में रंग जाए आपका एजुकेशनल प्लान ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल किसी भी एजुकेशनल माहौल में आपका प्लान फिट हो जाए बहुत सारे वेरिएबल्स uh, हो सकते हैं बहुत सारे शक्लें हो सकते हैं आपको एजुकेशनल प्लान ऐसा फ्रेम करना है ऐसा सेट करना है कि प्रायोरिटीज आपके क्या होंगे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगे सारे चीज़ों को आपको देख कर एजुकेशनल प्लान को आपको तैयार करना है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी ह्यूमन इफ़र्ट मटेरियल इक्विपमेंट ब्रॉट टुगेदर अ सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव कोरिलेशन टू एकम्पलिश द डिजायर्ड रिजल्ट इन एजुकेशन वी ऑर्गेनाइज ह्यूमन बींगस इंटू स्कूल क्लास कमिटीज ग्रुप्स स्कूल स्टाफ ह्यूमन एफर्ट्स मटेरियल्स इं बिल्डिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट लाइब्रेरी लेबोर्टरी वर्कशॉप म्यूजियम एंड आर्ट इसके बाद पहले मैंने कहा एजुकेशनल असेसमेंट करोगे फिर मैंने कहा एजुकेशनल डिसीजन लोगे डिसीजन लेने के बाद आप प्लानिंग बनाओगे प्लानिंग बनाने के बाद आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आता है अब एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है जहाँ पे आपके मटेरियल इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक सिस्टमेटिक और इफ़ेक्टिव कोरिलेशन के साथ सारे आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं एजुकेशन सिस्टम में ह्यूमन बींग्स जो है इंसान को रहने के लिए स्कूल चाहिए क्लास चाहिए कॉमेटीज़ चाहिए ग्रुप चाहिए स्टाफ चाहिए इंसान का मेहनत चाहिए ये सब आपके पास होना चाहिए एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए मटेरियल्स इन टू बिल्डिंग फर्नीचर लेबॉर्टरी वगैरह भी आपके पास होना चाहिए आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स इन स्कूल सिस्टम करिकुलर एंड को करिकुलर टाइम शेड्यूल नॉर्म्स ऑफ अचीवमेंट एंड लाइक ये सारी चीज़ें आपका आता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहले मैंने बताया था एजुकेशनल अससमेंट होना चाहिए फिर मैं मैंने बताया एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग फिर मैंने बताया एजुकेशनल प्लानिंग फिर मैंने बताया एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पे है एजुकेशनल डायरेक्शन और मोटिवेशन it is a process of guiding the human effects for achieving the target the modern term for the direction is motivation to make the man to be cheerfully willing to do the job we want him to do Involved involvement in deciding policies and plans help in motivation communication down up and across is also great importance to the motivation of organization members face to face communication is quite useful if organization members are to be motivated to do their best इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अब आप, आपके पास तैयार हो गया तो आपको क्या करना चाहिए एजुकेशनल डायरेक्शन और मोटिवेशन की ज़रूरत है मींस आपका जो है एज़ हेड ऑफ़ द इंस्टिट्यूट एज ए टीचर या एज हेड ऑफ़ द स्कूल एज ए प्रिंसिपल आपको क्या करना है अपना जो टीम है अपना जो फैकल्टी का स्टाफ का जो टीम है उनको टाइम टू तो टाइम मोटिवेट करना है डायरेक्ट करना है भाई तुम्हें किस वक्त में क्या काम करना है आप एज़ ए प्रंसिपल अपने सारे टीचर्स को टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को एक माहौल में आपको एडजस्टेबल करके रखना है आपको उनसे वही काम करवाना है जो स्कूल के बेटरमेंट के लिए अच्छा है आपको उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है उनको ट्रेनिंग देना है उनको के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना है उनके साथ आप खुल के या कभी कभी मतलब आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करके आप उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए स्कूल के बेटरमेंट के लिए Last is educational control. The manager must constantly check on his teams and his own performance to see that it is correspondence to standard laid down. The manager need to take uh, corrective in the form of adjustment to the physical environment of work modification in addition to material methods or review personnel in terms of their separate abilities and motivation to achieve the target. the assessment decision planning <laughs> organization. आपने एजुकेशनल क्या किया मोटिवेशन भी किया इसके बाद आपको एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एज ए प्रिंसिपल या एज हेड मास्टर आपको क्या करना है एजुकेशन अपने फील्ड को कंट्रोल करके रखना है मींस आप मैनेजर हैं आपको मैनेज करना है अपने स्कूल को आप प्रिंसिपल हैं तो आप स्कूल का क्या है मैनेजर हैं आप अपने टीम को परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम चेक करेंगे किस टीचर में क्या ख़ामी है किस टीचर को क्या करना है फिज़िकल इन्वायरमेंट में उनको एडजस्ट करना है वर्क मॉडिफिकेशन एडिशन उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है कुछ कमी तो नहीं है मटेरियल मेथड्स में कुछ कमी तो नहीं है उनको कुछ चाहिए तो मत आपको अपने टीचर्स को बार बार चेक करना है और उन पर नज़र रखना है सिपरेट एबिलिटीज़ और मोटिवेशन सबको देखना है ताकि आपका टारगेट जो है स्कूल का टारगेट वो फुलफ़िल हो जाए तो यहाँ पर मैंने इस स्कूल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्ड आपको समझा दिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हुआ होगा तो नेक्स्ट हम इसी के स्कूल मैनेजमेंट बी कोर्स का पार्ट थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह मिलने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़